सो हेलो फ्रेंड्स। सो आज का टॉपिक है हमारे पास एमटेक टीए और एमटेक आरए में क्या डिफरेंस है, मतलब 2 इयर्स का क्या होता है, 3 इयर्स क्या होता है, एमएस क्या होता है, और लो गेट स्कोर होगा तो हमें आईआईटी में जाने का चांस बनता है क्या, या तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून, यू कैन वॉच दिस वीडियो एट 1.25x और 1.5x एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, अगर स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन लास्ट तक देखिए। सो व्हाट इज एमटेक टीए? टीए मतलब टीचिंग असिस्टेंट, आरए मतलब रिसर्च असिस्टेंट। सो टीचिंग असिस्टेंट बेसिकली उसको मतलब एक आपको वीकली 8 आवर्स काम करना पड़ता है, वैसा ही आरए को भी करना पड़ता है, लेकिन आरए को जो रहता है थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड काम रहता है, टीए को जो रहता है वो थोड़ा मतलब लैब वर्क, असाइनमेंट वगैरह चेक करना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और आरए का जो रहता है वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे उसको असाइन किया रहता है शायद, मतलब मैं भी अभी आईटी हैदराबाद में आरए के लिए सिलेक्ट हुआ, वहां पे जाने के बाद मुझे भी उसका डिटेल पता चलेगा, तो वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो एमटेक टीए मतलब जो कि रेगुलर एमटेक आपको पता है कि एमटेक आईआईटीज में होता है गेट के बाद, वही ये एमटेक है। 2 ईयर कोर्स रहता है और इसका एडमिशन डायरेक्टली बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर होता है। जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, वो वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि हाउ द काउंसलिंग प्रोसेस गोज ऑन, दैट काउंसलिंग प्रोसेस इज ओनली फॉर दिस एमटेक टीए। एमटेक आरए के जो सीट रहते हैं ना वो अलग रहते हैं, मतलब वो सीओएपी पोर्टल पे नहीं होते हैं। सो एमटेक आरए यूजुअली 3 इयर्स का होता है, ठीक है, 3 इयर्स का होता है, कुछ आईआईटीज में 2 इयर्स का भी हो सकता है, जैसे कि मीन्स इट डिपेंड्स, ओके, 2.5 इयर्स का भी होता है, और इट बेस्ड ऑन इसका कैसा होता है, इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट होता है, मतलब रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करते हैं फिर इंटरव्यू, मीन्स वो डिपेंड्स, कुछ आईआईटीज ओनली इंटरव्यू लेते हैं, कुछ आईआईटीज रिटर्न टेस्ट लेते हैं उसमें क्वालिफाई करते हैं और फिर इंटरव्यू लेते हैं और फिर उसमें से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। जनरली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू होता है, इस साल कोविड की वजह से डायरेक्टली इंटरव्यू हुआ था मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में, ओके। एंड एमटेक टीए के लिए एज सच कोई इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। एंड एमटेक टीए जो रहता है वो सभी के सभी आईआईटीज ऑफर करते हैं, कौन सा भी आईआईटी रहने दो, वो सभी के सभी आईआईटीज और एनआईटीज भी, ठीक है, सभी के सभी एनआईटीज ऑफर करते हैं, सभी के सभी आईआईटीज ऑफर करते हैं। और जो एमटेक आरए रहता है ये लाइक सिर्फ कुछ आईआईटीज ऑफर करते हैं, वो कौन कौन से आईआईटीज है वो मैं नेक्स्ट इसमें बताने वाला हूँ आपको इन कपल ऑफ मिनट्स, ओके। और सम एनआईटीज भी, कुछ एनआईटी भी, मीन्स बहुत कम एनआईटी, जैसे कि एनआईटी सूरतकल में एमटेक रिसर्च का एक प्रोग्राम है, और बाकी एनआईटीज का मुझे नहीं पता, एमटेक एनआईटी सूरतकल का पता, ठीक है। यस, एमटेक टीए के जो सीट्स है वो हर साल आते हैं, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स रहते हैं, वो हर साल आते हैं, वो कोप राउंड के थ्रू और डायरेक्टली बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर किया जाता है उसका सिलेक्शन। एमटेक आरए की जो सीट्स है वो हर सेमेस्टर को आती है, मतलब साल में दो बार आती है, समर में और विंटर में, समर एडमिशंस और विंटर एडमिशंस। लेकिन इसमें भी एक मींस बहुत फ्लक्चुएशन रहता है कि कुछ आईआईटीज सीट्स रिलीज करती है, कुछ आईआईटीज नहीं करती है, बेस्ड ऑन द वैकेंसी, मतलब उनके पास जो भी प्रोजेक्ट है उस पर उनको एक रिसर्च असिस्टेंट लगता है, तो वो रिसर्च असिस्टेंट उनको ही नीड होगी, वही वो रिलीज करेंगे। समटाइम्स दे रिलीज 2 सीट्स, 3 सीट्स, 5 सीट्स, समटाइम्स 1 सीट, एंड समटाइम्स दे डू नॉट रिलीज द सीट्स। मतलब इस साल आईआईटी बॉम्बे ने सिविल इंजीनियरिंग के लिए एमटेक आरए की कोई भी सीट रिलीज नहीं की थी अभी समर एडमिशंस में, विंटर में शायद रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। और इसके लिए जो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है उसका कट ऑफ बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको 450 स्कोर है तो आपको कॉल नहीं आएगा, आपका 400 स्कोर है तो आपको कॉल नहीं आएगा, नो, यू विल गेट अ कॉल, यू हैव टू कन्वर्ट द कॉल आफ्टर अपियरिंग इन द इंटरव्यू, ओके। सो नेक्स्ट इज समथिंग लाइक मीन्स स्पॉन्सर। सो एमटेक टीए जो रहता है उसका स्पॉन्सरशिप करता रहता है एमएचआरडी के पास, मतलब आपको जो स्टाइपेंड मिलती है वो स्टाइपेंड एमएचआरडी स्पॉन्सर करता है, वो एमएचआरडी आपको देता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। और इन प्रोजेक्ट आरए क्या होता है, गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड नहीं देता है, आप जिस प्रोजेक्ट पे आप असाइन हुए हो तो वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड रहते हैं आप, या फिर गवर्नमेंट लैब स्पॉन्सर्ड रहते हैं या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रहते हैं, ये आपको कुछ ज्यादा अभी समझने की जरूरत नहीं, आप जब जाएंगे तब समझ में आ जाएगा। और स्टाइपेंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
आपको एमटेक टीए मतलब रेगुलर एमटेक में 12,400 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। ये फिक्स है, इसमें 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होता, कम भी नहीं होता। ये आपके टाइम बढ़ सकता है या फिर कम भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में 12,400 रुपये पर मंथ मिलता है। एमटेक आरए में क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट की जो स्टाइपेंड है वो चेंज हो सकती है। मिनिमम वो रहती है 12,400 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम वो 20,000 तक भी जा सकती है। ऐसा आईआईटी हैदराबाद में भी ऐसा ही है, कुछ लोगों का 15,000, कुछ लोगों का 16,000 भी होता है, कुछ लोगों का 20,000 भी होता है। ठीक है, यस। तो अभी कौन कौन से आईआईटीज ये एमटेक आरए ऑफर करते हैं? सो आईआईटी बॉम्बे करता है, जो कि इस साल में नहीं किया था, समर में, विंटर में कर सकता है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे में ये कोर्स है। आईआईटी मद्रास में है, आईआईटी मद्रास इसको एमएस बोलता है, इस कोर्स को एमटेक आरए नहीं बोलते, वो लोग एमएस बोलते हैं। और आईआईटी दिल्ली में भी है, वो लोग इसे एमएसआर बोलते हैं, एमएस रिसर्च। ओके, आईआईटी कानपुर भी है, वो भी एमएस रिसर्च बोलते हैं इसको। आईआईटी हैदराबाद में है और वहीं पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, और उसमें उन्होंने एमटेक आरए ही बोलते हैं उसको। और आईआईटी मंडी, आईआईटी मंडी में भी इसको एमएस ही बोलते हैं। आईआईटी पलक्कड़ एमएस बोलते हैं, आईआईटी तिरुपति भी एमएस बोलते हैं। और एमटेक टीए सभी के सभी आईआईटीज में ऑफर होता है। ये सारे आईआईटीज जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं, ये सारे आईआईटीज में सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेस है। इनके अलावा भी कुछ 3 या 4 आईआईटीज है, जैसे कि आईआईटी गोवा, आईआईटी भिलाई, आईआईटी धारवाड़, समथिंग लाइक दैट। दे आर देयर, बट देयर इज नो सिविल इंजीनियरिंग कोर्स इन दोज आईआईटीज, दैट्स व्हाई आई डिडंट मेंशन देम हियर। ओके, सो यस, दैट्स All about M.Tech TA and M.Tech RA. I hope you find this video useful, and if you find this video useful, then please like, share, and subscribe my channel. Thank you.